हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। कलर्स का मोस्ट पॉपुलर शो द कपिल शर्मा शो आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहता है। कभी अपनी टीआरपी की वजह से तो कभी नवजोत सिंह सिद्धू के बेबाक बयानों की वजह से। वैसे ये तो सभी जानते ही हैं कि हाल ही में हुए पुलवामा हमले पर दिए विवादित बयानों की वजह से सिद्धू को कपिल के शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, जिसके बाद उनकी जगह अर्चना पूरन सिंह जज की भूमिका निभा रही है। वहीं अब सिद्धू ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसके चलते एक बार फिर वो सुर्खियों में आ गए। दरअसल हाल ही में कपिल के शो में फिल्म बधाइयों की टीम पहुंची थी, जहां काफी मजाक मस्ती हुई। इसी बीच कपिल नवजोत सिंह सिद्धू का भेजा एक लेटर लेकर सेट पर आए और उन्होंने सबके सामने इस लेटर को पढ़कर सुनाया, जिसे सुनकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। बता दें कि कपिल ने वो लेटर पढ़ा जिसमें लिखा था, डियर अर्चना, मैं तुम्हारी खैरियत और अच्छी सेहत की कामना करता हूँ। मैं कामना करता हूँ कि तुम बहुत सेहतमंद हो जाओ, इतनी सेहतमंद कि तुम सोफा में फिट ही नहीं हो पाओ। मैं तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ सकता हूँ, अपना काम छोड़ सकता हूँ और अपना शहर छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तुम्हारा प्यारा नवजोत सिंह सिद्धू। तो इस तरह सिद्धू ने बातों बातों में अर्चना पूरन सिंह को कुर्सी छोड़ देने को कहा है। अब देखना ये होगा कि क्या अर्चना अपने खास दोस्त सिद्धू की कही बात मानती हैं या नहीं। नया टीवीएस रेडियो जियो बुलंद, बढ़ो बुलंद। वेल तो पुलवामा हमले के वक्त सिद्धू ने जो बयान दिया था उसकी सजा वो अब तक भुगत रहे हैं। बता दें कि उन्होंने कहा था कि चंद लोगों के लिए आप पूरे मुल्क को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। चंद लोग ये सब कुछ कर जाते हैं, इनको सजा याफ्ता करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कौम को आप चपेटे में ले लो। जिसकी वजह से उन्हें खूब खरी खोटी सुननी पड़ी। आलम ये हुआ था कि सिद्धू को शो ही छोड़ना पड़ गया,